युवक की हत्या में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी आसिक पटेल की दो मल्टी और रहवासी घर तोड़े। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर के धनर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। रूपेश बिरला उम्र 24 वर्ष निवासी सेलदास जिला खरगोन की हत्या करके दफना दिया गया था। मृतक रूपेश पीतमपुर के बजाज फाइनेंस में कार्यरत है। हत्या का कारण पैसे का लेन देन और प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक रूपेश को दो दिन पहले घर से अगवा कर लिया गया था। उसके साथ 6 लोगों ने मारपीट की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का मुख्य आरोपी आसिक पटेल है। उसने अपने घर के ग्राउंड में ही उसके शव को दफना दिया। मृतक के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी और आसिक पटेल पर शंका भी जाहिर की थी। बीती रात पुलिस ने आसिक पटेल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने युवक की हत्या करना कबूल कर लिया। पीतमपुर पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में प्रशासन पर हिंदुवादी संगठनों का भारी दबाव है। संगठन आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्य आरोपी आसिक पटेल की दो मल्टी और रहवासी घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। वहीं एक 3 मंजिला मल्टी तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। इसके लिए इंदौर से बड़ी मशीन बुलवाई गई है। 150 कमरे की 3 मंजिला भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में एएसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल, एसडीएम रोशनी पाटीदार सहित आसपास के कुल 6 थानों के थाना प्रभारी व पुलिस बल वाहन के साथ मौके पर मौजूद रहे। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये जो है थाना सेक्टर 1 जिला धार में 11-12 के दरमियान रात में एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी। रूपेश बिरला नामक व्यक्ति की सेक्टर 1 की पूरी टीम के द्वारा त्वरित रूप से इसमें गुमशुदगी पंजीबद्ध करने के बाद पूरे दिन लग गए। इस प्रकरण को ट्रेस किया और इसमें ये संज्ञान में तथ्य आए कि उक्त जो रूपेश था बिरला, उसका अपहरण करके उसका मर्डर हुआ है, उसकी डेड बॉडी को गाड़ा। इस संबंध में पुलिस के द्वारा धारा 365, 66, 302, 201, 120 भी और 34 IPC के प्रकरण